औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस्सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनिल मग़रिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल खासिम मोहम्मद अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फ़र्ज वला अहलि बैतिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अज़ादाराने इमाम हुसैनिया पैसमोर की तीसरी मजलिस 1446 हिजरा मुहर्रम की जो हिस्ट्री ऑफ होली प्लेसेस वो होली प्लेसेस उन लोगों की हैं ये कि जिनकी वजह से इस्लाम बाकी है। अगर आज इस्लाम ज़िंदा है तो यही पर्सनालिटीज़ है, यही वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को फानूस बनकर बचा लिया। अहले बैत नबुवा मादन रिसाला की अभी दो दिन से आपने देखा, सिर्फ मैं नजफ़ अशरफ ही में हूँ, पूरी ज़िंदगी वहीं रहूँ, नहीं समझे यार, कोई जाना चाहता ना जब से मौला के रोजे के शहर से कोई जाना चाहता? अजीब शहर है मौला का, वो शहर जो बाबुल मदीनतुल इल्म का शहर, अगर आप जाएं रहें ज्यादा से ज्यादा रहें 8 दिन 10 दिन 15 दिन तो वो अजीब अजीब अजायबात सामने आते। मैं बहुत एहतियात से बोल रहा वरना बाद में मुझे पूछने लगेंगे सब। ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती कि यकीन नहीं आता, फिर पता। अच्छा एक चीज़ मैं अब इब्तिदा में ही बता दूं कि हर मासूम के रोज़े में जनाजे बहुत आते हैं, आपने गौर किया होगा, करबला मोहल्ला में भी आते हैं, मौला अब्बास, काज़िम ऐन, सामेरा, मशहद मुक़द्दस, लेकिन सबसे ज़्यादा जनाजे मौला के पास आते हैं नजफ़ अशरफ में। बाज़ वक़्त क्यों रहता, एक एक दिन में 150-150 बॉडीज आती, 150-150, और करते क्या, आते मौला की जरिए से ऐसा करते मस्क बाहर चले जाते। मैंने वहाँ पूछा खुद्दामों से कि ये सारे के सारे नजफ अशरफ के मरहूमीन हैं, तो बोले नहीं, पूरे इराक़ से आते। क्यों आते, कहा सबको यकीन है कि अब जान जा रहे वहाँ आने वाला अली है। अरे यार, तो जाने से पहले मुलाकात करके माफ़ी मांग के चले जाते, सिर्फ ऐसा करने से। एक तवाफ़ करने, पूरा तवाफ़ भी नहीं, सिर्फ अंदर जाते ज़रिए मुबारक को मौला को सलाम किया, बाहर निकल गए। ये मौला के रोज़े की एक अजीब इनफरादियत है। अच्छा कल तक जहाँ बात पहुँची थी अल्लामा हिली का मैंने जिक्र किया, अब आपने स्टोरी पूरी सुनी, पूरा वाक़या सुना, नतीजा क्या निकला उसे, उसका कंक्लूजन क्या है, क्यों इतना डिटेल में मैंने पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि जहन में आपके ख्याल आना। आप फर्शेज़ा पे बैठे हुए, आप दुआ करो कि मौला मुझे एक मौका दो, मुझे एक चांस दो कि मैं आपके लिए कोई काम करूँ। ये दुआ सबसे बड़ी है, याद रखो। इस्लाम उस मजहब का नाम है कि आपकी नीयत के ऊपर अजर है, नहीं समझे आप। आपने नीयत की कि मौला मैं दीन का काम करना चाहता, पूरी जिंदगी आपको नहीं मिला, लेकिन आपकी 50% अजर तो आपके अकाउंट में आ गया। तो कोशिश करो, देखिए आपका जा रहा कुछ नहीं, आपको एक जुमला बोलना है और हर नमाज के बाद दुआओं में यह दुआ मांगो कि मौला मुझे एक मौका देना। आपने हिली को दिया,
आपने दूसरों को दिया, मुझे भी दो कि मैं भी कुछ काम करूं। देखिए आपका काम है दुआ मांगना, मंजिल तक इमाम पहुंचाता। ये मत बोलो कि यार टोरंटो में मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा क्या मतलब, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब कैसे पैदा करते हैं। तो दुआ ये करते रहो कि मौला मुझे भी एक मौका मिले। आपने गौर किया देखिए कहां लेकर चले गए मौला हिली को, हिली के जमाने में और भी बहुत लोग थे, होंगे सब अपने मकाम पे सही है, लेकिन आज वो मकाम है उनका कि मौला के पहलू में। अच्छा दूसरी मीनारे की, इसलिए दूसरी मीनारे के बारे में बता दूं कि दूसरी मीनारा जो है उसके नीचे, मैंने पहले दिन कहा था उसके नीचे मुकद्दस अर्दबेली है। ये कौन है पता है कुछ मुकद्दस के नाम बारे में, है कौन ये मुकद्दस अर्दबेली? 400 साल पुराने, 1000 सेंचुरी उसके हिजरी के, हम 1400 में, 450 ईयर्स पुराने। लेकिन आप सोचो 1000 साल तक मौला वो जगह रोक के रख रहे, इसलिए कि इमाम अली तो जानते हैं कि आने वाले जमाने में कौन मोमिन आएगा। सिफिन में अली ने बता दिया कि मैं नस्लों को देख कर तलवार चलाता हूँ, अली को तो मालूम था कि मुकद्दस आने वाले। ये है कौन मुकद्दस? इनका नाम है अहमद अर्दबेली, नाम अहमद है, लेकिन पूरी हमारी हिस्ट्री में, पूरी किताबों में जब भी कोई रिवायत मुकद्दस से आई तो इनकी तरफ इशारा किया गया। इतना मुकद्दस है ना, इतना पायस आदमी, ऐसा पायस, ऐसा पायस कि एक एक लम्हा चेक करते थे कि कहीं मुझसे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। अब उनकी जिंदगी का एक मशहूर वाकया, सिर्फ उनका मुकद्दस होने का बहुत मशहूर वाकया, 2-3 मिनट का है बस, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि एहतियात कितनी करते थे और एहतियात करने के बाद ये स्टेज पे पहुंचे कि आज मुकद्दस कहलाए। हम भी कोशिश करना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम रोज करते रहना और चेक करते रहना। इंसान को अपने आप को चेक करना लाजिम है, इसलिए कि अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। और ये मत समझो कि शैतान मेरे पास नहीं आता, 100% हमारे पास आता, शैतान सिर वाली वालों के पास आता। शैतान स्टूपिड नहीं है कि उनके पास जाए कि जो खुद ऑलरेडी, मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूं, बस बेखूब नहीं है कि मंदिरों में जाए, मस्जिदों में जाए, क्यों जाएगा, उसको मालूम है ये मेरे रास्ते पे चल रहे। वो बाज वक्त का बात शैतान की आई है तो सुनी ले, इसलिए कि ये भी हमारा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, आप इसको एक्सेप्ट करो नहीं करो। मैं सिर्फ टोरंटो वालों के लिए नहीं बोल रहा, ये ग्लोबल मैसेज जा रहा कि शैतान हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड होता आज के दौर में। आप बोलेंगे कैसे, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मैं गीवत भी तो करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी तो सुनता हूँ, मैं गुनाह भी तो करता हूँ, उसकी बात ज्यादा सुनता हूं, अल्लाह की बात कम सुनता हूं। मैं बहुत ओपन बोल रहा हूं, बात हकीकत है, आप बुरा नहीं मानना। हम उसकी बात ज्यादा सुनते हैं, अल्लाह की बात कम सुनते हैं। बहरहाल इसी नजफ अशरफ में एक और बड़े आलिम दीन है जो 100 साल पुराने, उनके जमाने में एक बहुत बड़े, इस वाक़े को आगा खुमैनी ने लिखा है कि आलिम दीन ने रियल शैतान को देखा था, रियल शैतान को ख्वाब में देखा, हम रोज आईने में देखते हैं नहीं देखते, तो रियल शैतान को वो आलिम दीन ने, आगे खुमैनी लिखते हैं कि ख्वाब में देखा, शेख मुर्तजा अंसारी का जमाना, इनके बारे में पढ़ूंगा, शेख मुर्तजा की बहुत बड़ी हस्ती थी नजफ अशरफ की, आज पूरा सिलेबस इन्हीं का चलता है। तो देखा कि शैतान रस्से पड़ा डाला हुआ, जाल लिया हुआ, बड़ा परेशान इनके सामने आता है। इन्होंने कहा यार ठीक तो है, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा, आज तू क्यों परेशान है? उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। पूछा क्यों परेशान है, किससे परेशान है? तो कहा तुम्हारे शेख से परेशान हूँ, शेख मुर्तजा का जमाना। कहा जब मैं हमला करता हूँ उनके ऊपर, वो मेरे हमले को तोड़ के चले आते, मेरे हमले में आ ही नहीं रहे।
ये मोमिन की पहचान बताई गई कि जिस हथियार से शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करे उसी हथियार से तुम उसके ऊपर हमला करो। दोस्तों इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, शैतान से अगर इंसान बच जाए तो बिल्कुल पायस और मुकद्दस होता। तो एनी पूछा करते क्या है, तो कहा जब मैं हमला करता हूँ। शेख मुज़ा के बारे में यह है कि जब ये नमाज पढ़ाते थे शैतान इनके जहन में बात डालता था कि देखो तुम नमाज पढ़ा रहे हजारों लोग तुम्हारे पीछे पढ़ रहे, वो फौरन रोक देते थे, मस्जिद में जाने से पहले रुक जाते थे कि ये मैं क्या सोच रहा, मैं तो अल्लाह की नमाज पढ़ाने जा रहा, किताब लिख रहे, शैतान उनके जहन में डाल रहा तुम्हारी किताब इतनी मशहूर हो जाएगी, क्या तुम्हारा नाम होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें चेक करो, हमारे साथ भी होती। जब भी मैं कोई नेकी करने चाहता, मैं चाहता कि मार्केट में मेरा नाम हो जाए, मार्केट में मेरा नाम हो, एक डॉलर भी देंगे तो वो बताएंगे, बता के देंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा कि मैं तो दुनिया घूमता हूँ देखता हूँ कि डोनेशन भी दे रहे तो बोल रहे कि उसने कितना दिया उसने कितना दिया, उससे मेरा ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि मेरा नाम ज़्यादा आ जाए। ये सब चीज़ों को चेक करो कि इससे तुम्हारे आमाल ख़त्म हो रहे, और शैतान आपके जहन में डालता है कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, पूरी मार्केट में नाम होगा। यही चीज, यही सवाल मौला से पूछा गया था, इमाम अली से पूछा गया था कि मौला मैं नेकी करूं, किसी के ऊपर एहसान करूं, किसी की मदद करूं, फिर मैं जाके मार्केट में लोगों को बोलूं। इमाम ने कहा नो, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मौला अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोगों को मालूम कैसा होगा टोरंटो वालों को कि मैं इतना बड़ा डोनर हूं, मैं इतनी मदद करता हूं लोगों की। इमाम ने कहा कि तुझे बोलने की ज़रूरत ना हो, तुम कुछ मत बोलो, जिसके ऊपर एहसान किया वो बोले। दोस्तों मैं क्या बोल रहा, मेरे मौला का जुमला है। हम बोलते अगर कोई मेरे ऊपर एहसान करा तो मैं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा। आपको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, इंतजार नहीं करना। तो बहरहाल शैतान इसने कहा कि मैं जब हमला करता हूं इनके ऊपर, ये तोड़ के चले जाते निकल जाते। तो ये आलिम वो शॉर्ट कर दिया मैंने वाकई को, ये आलिम दीन ने जो ख्वाब में देख रहे थे उन्होंने कहा ठीक है शेख मुर्तजा अंसारी तो बहुत बड़े आलिम है, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी तो मौलवी हूँ। कहा तुम, मैं वेस्ट नहीं करता तुम्हारे ऊपर, तुम खुद मेरे पीछे चल रहे हो, हमको चेक करना, कहीं मैं शैतान की बातों में तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे आमाल तो ज़ाया नहीं हो रहे, कहीं मुझ में रियाकारी हिपोक्रेसी तो नहीं आ रही, मैं लोगों को बताने के लिए कोई काम तो नहीं कर रहा। ये सब चीज़ों को मजलिस में आके सीख के अपने आप को चेक करके रिफाइन करना है, मुहर्रम में क्लीन करना है अपने आप को। मैं बार बार बोल रहा कि मुहर्रम ये माजालिस प्रैक्टिस के नहीं है, मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि हथेली पर जन्नत दूँ। अली ने जब नहीं दिया, इमाम अली ने कहा अमल करो आओ मेरे पास, बख्शीश मौला कराएंगे, 200% सिफारिश मौला करेंगे। मैं अपने आमाल के जरिए अल्लाह की बारगाह में क्लीन नहीं हो सकता जब तक मासूमीन का वास्ता ना हो। तो ये हमारा अकीदा है। तो बहरहाल मुकद्दस एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम है कि जो बिल्कुल अगर आप मौला की जो मेन गोल्डन डोर है, अब आप मेरी तरफ देखो, नजफ अशरफ आपके जहन में, राइट पे मीनारे जब आप जाएंगे हिली के पास तो मेन डोर से नहीं जाते, उससे पहले वाला जो डोर है ना उसके अंदर से जाएंगे, तो सामने वो उनका मज़ार है अंदर मीनारे के नीचे। लेकिन जो मेन गोल्डन डोर है बड़ा, उसके बाद वाला आप उसमें जब एंटर हो तो बिल्कुल उससे फ्यू स्टेप्स के ऊपर ये लेफ्ट साइड का मीनार, सिर्फ दो ही मीनारे, आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते। वहाँ उसके नीचे मुकद्दस है, मुकद्दस अहमद अर्दबेली नाम, इतना पायस कि इतनी एहतियात करने वाला, इतना बड़ा आलिम, अपने दौर का एक अजीम मर्जा, वो करबला मौला आए हुए हैं, अल्लाह हम भी जाएं मौला के पास, करबला मौला आए हुए, वहाँ से उनको जाना है नजफ अशरफ। उस ज़माने में जैसे आज रेंटे कार होते थे, उस ज़माने में रेंटे हॉर्स ऊंट लोग किराए पे देते, दुकान पे गए, सब जानते हैं मुकद्दस है, कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, कहा पूछा कहाँ जाना है, तो कहा नजफ अशरफ, उसने कहा 10 दिनार। लेकिन 10 दिनार बोलने से पहले उसने कहा ये बताइए शेख कि आप घर जाके सामान लेके जाएंगे या जैसे हैं वैसे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जैसा मैं खड़ा हूँ वैसे ही जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, 10 दिनार दे दिया, घोड़े पर बैठ के निकल गए। चलते 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 नजफ अशरफ से बिल्कुल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले कई गांव थे,
वहाँ के लोगों को मालूम हुआ कि मुकद्दस गुजरने वाले, वो लोग बाहर आ गए इस्तकबाल को, अजीम मर्जा जा रहा हमारे सामने, रुक गए, मुलाकात की। एक मोमिन आगे बढ़ के कहने लगा कि मुकद्दस मेरे पास एक छोटा सा खत है, पेपर है, अगर आप ये लेके जाएं और लेके जाके मेरे भाई को नजफ अशरम में दे दें तो मेहरबानी होगी, छोटा सा हदिया है। उन्होंने कहा ठीक है, एक मोमिन की ख्वाहिश है, उसको पूरा करना है। हम होते तो क्या बोलते, तुम्हारी मजाल मुझे दे रहे। मोमिन के लिए काम करना सबसे बड़ी इबादत, याद रखो। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे, सुबह उठ के टोरंटो में दुआ करो नमाज के बाद कि अल्लाह आज दिन में मुझे मौका दे कि मैं तेरे बंदों की खिदमत करूं, मोमिनीन की खिदमत करूं। कुछ नहीं कर सकते, टेलीफोन पे कर सकते, टेलीफोन पे करो। जबान से कर सकते, जबान से करो। सिर्फ मुस्कुरा के देख सकते तो मुस्कुरा के देखो। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये चीजें हैं दोस्तों मोमिन की अलामत, साइंस ऑफ मोमिन जो है वो ये है। तो बहरहाल इन्होंने ले लिया, लेके अब घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल चले, बिल्कुल पैदल लेके चले। नजफ अशरम में जब दाखिल हुए तो लोग खड़े हुए थे, लोगों ने पूछा, मैंने शॉर्ट करा वाक़े को, लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात करके एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा कि शेख क्या ये घोड़ा बीमार हो गया, आपका जानवर बीमार हो गया? तो कहा नहीं, बीमार नहीं हुआ। तो कहा फिर आप पैदल क्यों आ रहे, इस पर बैठ के नहीं आ रहे, पैदल आ रहे? फिर पूछा, नहीं बोलना चाह रहे थे। एक स्टेज पर आके कहा कि मैंने मालिक से ये वादा किया था कि जैसा हूं वैसी जा रहा, अब ये खत का वजन लेके कैसा बैठता? आप देखिए, वाकया पुराना है, वाकया सुना हुआ है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? एहतियात, एक चलता। ये जो जुमले है ना हमारे पास, या मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये हम नहीं खा सकते, लेकिन एक दफा खाने से क्या होता? ये एहतियात। हमारे पास कितनी एहतियात है, अगर हम बैठ के से खुद कहते मौलाना वो तो इतने बड़े बड़े गुनाह करता, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, छोटा गुनाह क्या है? ये नहीं होना चाहिए। एहतियात करो, एहतियात करो, जितनी तुम एहतियात करोगे उतना तुम्हारे दर्जात की बुलंदी होगी, उतने तुम मुकद्दस होते जाओगे, उतने तुम इमाम के करीब होते जा रहे। रोज सुबह में उठ के ये चेक करो कि कल तक मैं क्या था और आज क्या हूं। वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश तो कर सकते। उसके बाद मुकद्दस के बारे में यह है कि इन्होंने 40 साल तक नमाज शब नहीं छोड़ी और तीन अमल करते थे। शब नमाज, जाम आशूरा और जामिया। मैंने जामिया के बारे में शायद पहली मदी से कहा था, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे खमसे में जामिया शुरू कर दें। आप ज्यारत है जामिया, जो पढ़ता है वो पढ़ता है, बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ता है तो शुरू करो। कितनी देर की ज्यारत है? एक मिनट, जस्ट वन मिनट, नॉट इवन वन मिनट। डिवाइन पल के ऊपर ये दो ज्यारत है, एक जामिया कबीर है, एक जामिया सगीर है। कबीर है बड़ी वाली भी है, छोटी, अब छोटी वाली पढ़े। ये 14 मासूमीन की ज्यारत है, इतनी छोटी ज्यारत, इन्हें सुबह उठ के आप अगर ज्यारत जामिया पढ़े तो 14 मासूमीन को आपने सलाम किया। दोस्तों सलाम से रिश्ता बनता है, अरे मैं कुछ बोल रहा आपको, रिलेशनशिप बिल्ट होती है। अगर आपकी रिलेशनशिप 14 मासूमीन से हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है? हमेशा खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ो, माओ को बोल रहा बच्चे। और इसमें और फायदा क्या है, अगर आपकी कोई बच्चे हैं छोटे, गोद में उठा लो, मां गोद में उठा के सलाम करे, उसका सलाम लाजिम पहुंचता, इसलिए कि गोद में बच्चा है। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी दुआएं अगर रद्द हो रही तो अगर किसी माँ का छोटा बच्चा है, उस बच्चे के हाथ को सामने फैला दो। बच्चा अगर मासूम बच्चा अगर हाथों को फैला दे, उसका कर्म शुरू हो जाता, पहले ही करीम है। नबी यूनुस के वाक़े में मिलेगा आपको ये। तो बारा ज़ियारत जामिया आशूरा एंड नमाज शब। अभी नमाज के बाद एक मोमिन ने आगे कहा कि औलाद नहीं है, मुझे औलाद के लिए दुआ बताइए। अब उनको मैं बता रहा कि औलाद के लिए नमाज शब से बेहतर कोई दुआ नहीं। सब खामोश हो गए। आप बोलेंगे नमाज शब और औलाद क्या रिलेशन है दोनों में, शब नमाज में और औलाद में, औलाद कैसे होगी? नमाज शब के 70 फजीलतें बताई गई, 70।
अरबी में जब भी कोई चीज की 70 बोला वो अनलिमिटेड हो जाते, 70 फजीलतों में रिस्क है, बीमारियां हैं, परेशान है, 1000 फायदे, 1000 फायदे, मैं फायदे नहीं बता रहा वरना पूरी मंजिल उस पर होगी, मुझे मुकद्दस पे जाना है, मुकद्दस जो काम करते थे मैं वो बता रहा इसलिए कि इसके बाद मैं मुकद्दस बने। 70 फजीलतें हैं, उसमें नमाज शब में औलाद, आप सब खामोश हो गए कि शब नमाज से औलाद से क्या मतलब। दोस्तों मौला अब्बास को इमाम अली ने नमाज शब में मांगा था, मौला ने जो जिसने कभी कुछ नहीं मांगा उसने मांगा तो नमाज शब में मांगा, बेनियाजों का बेनियाज है अली। तो बेटा चाहते हो तो नमाज शब 40 दिन पढ़ो, उसके बाद देखो तुम्हारी बीवी कंसीव कर जाएगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू। औरत को भी पढ़ना चाहिए, मर्द को भी पढ़ना चाहिए। बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए इससे बेहतर अमल नहीं है। शॉर्ट है, अगर 11 रकत नहीं पढ़ सकते 3 रकत पढ़ो, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो। नमाज शब 2 मिनट सुन ले कि नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलता, पीछे नहीं चलता। किसी का बिजनेस का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम्स है उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, रिस्क का प्रॉब्लम हो रहा, वो नमाज शब पढ़े। और हमारे उलमा ने एक बात की कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह में फजर के वक्त पढ़ो या 12 बजे के बाद, जो एक कंसेप्ट है उसके बाद पढ़ो। नो, आप बिफोर यू गो टू बेड, मैं हमेशा बोलता हूँ बिस्तर पे जाने से पहले, अगर तुम टोरंटो में 10 बजे सो जाते, खाना खाए 10 बजे सो गए, नमाज मगरबैन पढ़ गए, उस वक्त पढ़ लो, 10 बजे पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं। 9 बजे मगरिब हो रही, 9 बजे सोने से पहले, ये याद हमेशा जहन में रखना, बिफोर यू गो टू बेड, 10 मिनट पहले सोने से 10 मिनट पहले वजू करो, 3 रकअत नमाज पढ़ो, सो जाओ, देखो सुबह तक क्या होता है। आप हैरत होगी कि वो नेमतें। और एक चीज़ प्लीज़ गौर से सुन लो, नमाज शब मौला हुसैन की आखिरी वसीयत है, आखिरी वसीयत। मैंने हमेशा बोलता था कि शाम में बॉम्बे में अभी बोल के आया, अब अल्लाह का शुक्र है सब ने, शाम में गरीबा की नमाज शब ज़रूर पढ़ना, इसलिए कि मौला हुसैन ने आखिरी लम्हात में वसीयत यही की थी कि बहन मुझे शब नमाज में नहीं भूलना। मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली नमाज है। हार्डली इट टेक्स 10 मिनट, नॉट मोर देन 10 मिनट। अगर 3 रकत आप पढ़, 2 रकत शिफा, 1 रकत विद, ये ज़रूरी नहीं है कि 40 नाम लो, ये ज़रूरी नहीं है कि 100 नाम लो। मेरा चौथा इमाम 4000 नाम लेता था, आप 5 नाम लो, 10 नाम लो, कोई मुश्किल नहीं, एक एक सूरह के साथ पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, ईजिएस्ट वे है ये। और इतनी ईजी है कि आप 10 मिनट के अंदर यू कैन फिनिश योर नमाज। सिर्फ नमाज फिनिश नहीं हो रही, नमाज के बाद तुम जब उठ रहे हैं तो सारे गुना माफ हो रहे, रिस्क के दरवाजे खुल जा रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुकद्दस के लिए ये, दूसरे अमाल में नहीं बता रहा, मुकद्दस मुकद्दस बना, ये 3 अमाल उनके मशहूर है कि ये तीनों शब नमाज पढ़ते थे, आशूरा पढ़ते थे और जामिया पढ़ते थे। और आपको हैरत होगी, जमाने के इमाम की एक ख्वाहिश है, जमाने के इमाम का एक तरीक़ा है, कई मोमिनिन को और एक मोमिन को तो जो मरने वाला था बिल्कुल लास्ट स्टेज था, उसको आके बोला था कि आशूरा सलातुल्लैल सलातुल्लैल सलातुल्लैल, फिर कहा आशूरा आशूरा आशूरा, फिर कहा जामिया जामिया जामिया। ये ज़माने के इमाम की दहन मुबारक के जुमले जो मैंने दोहराए, इतने रिकमेंडेड। अगर आप टोरंटो में ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल, देखिए ज़िंदगी पीसफुल होती है लेकिन किसी की ज़िंदगी ऐसा नहीं चलती, इस तरह होती है। क्यों? अगर सीधा चले तो बंदा फिरौन हो जाए, नहीं, परेशानी आना लाजिम है। जब परेशानी आती है ना, जाती भी इनके वसीले से, आना लाजिम है। ये मत बोलो कि परेशानी नहीं आना चाहिए, 100% आना चाहिए, वरना तो आप फिरौन बन जाए, हम तो गुरूर और तकबुर में आ जाए। जरा सा झटका दे अल्लाह तो सही होता, लेकिन दुआ करो कि झटका छोटा हो, वरना अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, गुनाहों को माफ़ करे। तो ये 3 चीज़ें
अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट सब करते होंगे, मैं एक जनरल रिमाइंडर है मेरे कि ये तीन चीज़ें करके देखो कम से कम, या कम से मैं एक तोहफा ये लेके चले जाओ। अगर ये चीन तुम चीज़ें करोगे तो यकीन करो मेरी बात, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मासूम मुकद्दस के बारे में ये। अब इनका ये शब नमाज का इसका एक छोटा वाक्य सुन ले, ये और इनकी अहलिया दोनों, इनके पुराना जैसा अरबी घर होते छोटे ग्राउंड लेवल पे सिंगल फ्लोर के, और इनके बैकयार्ड में वेल थी, कुआं था। तो सर्दियों का ज़माना, इराक की सर्दी, मुकद्दस और उनकी अहलिया वाइफ दोनों नमाज शब को उठे, उठकर पीछे गए पानी लेने के लिए वजू करने। उस ज़माने टैप सिस्टम नहीं था, कुएं से पानी लेते थे, पानी लेके वजू करते थे। मुकद्दस और ये उठे, इनके बारे में ये कि बिल्कुल फजी से आधा एक घंटा पहले उठे और जाके जैसा कुएं में पानी लेने के लिए एक बकेट डालते और रस्सी रहती, वही तरीक़ा। मुकद्दस उठे, बीवी बाजू बैठी हुई है, वो बकेट को डाला, फील कैसा हुआ कि पानी आ गया, बकेट वज़न हो गई। अब जो खींचा, पानी की जगह हीरे निकले, हीरे डायमंड्स। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं बना रहा, मुकद्दस की ज़िंदगी का मशहूर तरीन वाक़। अब शब नमाज का जिक्र किया इसलिए मैं ये पढ़ रहा, भरी हुई बकेट। इन्होंने बीवी को देखा, बीवी ने इनको देखा, बीवी ने ये नहीं कहा रख लो, मैं ये नहीं बोलता आज की औरत बोलती थी, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन हो सकता बोले कि मेरे पास एक हीरा नहीं है रख लो, एक डायमंड नहीं है रख लो, तुम तो नहीं दिला रहे, अल्लाह दे रहा। लेकिन ये मुकद्दस की बीवी थी, एक जुमला नहीं बोला, पूरी बकेट पानी में डाल दी, फिर मुकद्दस ने डाला। अब जो डाला फिर ऊपर आई तो हीरे नहीं थे, पर्ल्स थे, मोती जिसको बोलते। दोस्तों कोई मुकद्दस है अदबली कोई मिलियनर बिलियनर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं है, अंधेरा है और घर के अंदर कुएं में से निकल रहा, अल्लाह दे रहा, ये तो वही है ना, अल्लाह दे रहा। आराम से रख सकते थे, हराम भी नहीं था, इनके घर का कुआं है, किसी का माल कब्ज नहीं कर रहे। फिर बीवी को देखा, मेरा सलाम बीवी को, ये तो मुकद्दस है। इसीलिए कहा कि ऐसी लड़की से शादी करो कि जो दीनदार हो, हुसन के चक्कर में मत जाओ, पैसे के चक्कर में मत जाओ। कोई बैचलर्स नजर नहीं आ रहा, सब शादीशुदा है, नहीं ऐसी लड़की से। मौला से पूछा गया था, मौला का जुमला है, इमाम अली से पूछा गया था कि मौला किस लड़की से शादी करना, अली ने कहा कभी लड़की में उसका लड़की का हुस्न और उसका पैसा नहीं देखना। इसलिए कि हम तो यही देखते हैं ना, पैसा भी हो, अपने आप को नहीं देखते काले पीले कैसे, लेकिन खूबसूरत बीवी हो। खूबसूरत बीवी से लड़की से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, हुस्न अपनी जगह पे, लेकिन लड़की में कोई देखता है आज, कोई देखता है, कभी सोचता है कि कितना दीन है, इस्लाम है, तखलीद करती है, कुछ नहीं है। मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा, कितना इस्लाम है, लड़की से ज्यादा रिश्ता भेजने से पहले चेक करो कि किस खानदान में भेज रहे, चेक करो उनके माँ बाप दीनदार है, उनके घर में माहौल है इस्लाम का। अगर आप कोई बड़े स्कूल में, पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है इंडिया में, जो बड़े मिशनरी स्कूल से अगर आप जा रहे अपने बच्चे को एडमिशन के लिए, तो वो लोग सबसे पहले इंटरव्यू माँ बाप से लेते। क्यों माँ बाप से लेते, कि चेक करते कि बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, काबिल हैं, जाहिल तो नहीं है। माँ बाप को देख के बोलते कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो माँ बाप विल टेक केयर। तो उसी तरह लड़की से का रिश्ता भेजने से पहले चेक करो उस घर में इस्लाम है, इसलिए कि तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे, अपनी नस्ल से शादी कर रहे। दोस्तों आसान नहीं है, अगर तुम्हारा जनरेशन खराब हो रहा, जिस मुल्क में मैं, ये मुल्क नहीं बोला, एक जनरल बात कर रहा कि हालात कैसे हैं, इविल वर्ल्ड है, इविल वर्ल्ड है। आपसे ज्यादा बच्चा बाहर रहता स्कूल में 8 घंटे, स्कूल में घर का माहौल कैसा, स्कूल का माहौल क्या। अगर आप अभी से चेक नहीं करेंगे,
अगर बच्चों को चेक नहीं करेंगे तो तुम्हारी नस्ल तबाह होगी। आप यकीन नहीं कर रहे कि जो हालात हम मैं देख रहा, मैं सिर्फ आपके टोरंटो की बात नहीं कर रहा, पूरा नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा, यूरोप की बात कर रहा, अब तो इंडिया पाकिस्तान में भी वही यही हशर है। हैरत होती कि क्या हालात हो गए। बिल्कुल जो साइलेंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम है, मैं चाहता था वो पढ़ूं कि इमाम के आने से पहले दुनिया के हालात 95% अलामत पूरे हो गए। मैं तो एक स्टूडेंट हूं लेकिन जो भी रिसर्च है 95% साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम कंप्लीट हो गए। अब तो सिर्फ 5% रह गए, सिर्फ 5% हमारे पास इंतजार है। हम वो कुछ काम कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में मस्त है। तो ऐसी लड़की हो ना, आप इंसाफ से बताओ, माशाल्लाह लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे, अल्लाह 10 बच्चे कर दे तुमको। मैं एक जगह गया था तो जगह का नाम नहीं बोलता, जिस घर में मैं ठहरा था उनके 9 बच्चे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो मैंने उनकी अहलिया से कहा कि बहन तुम पर जन्नत वाजिब हो गई, 9 बच्चों की परवरिश, एक एक बच्चा अगर दीनदार निकलता जाए तो माँ बाप की तो ऐसे ही हालत होगी। फायदा आपका है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है। अगर दीनदार बच्चा निकल जाए कितनी खुशी होती है, अगर तुम्हारा बेटा या बेटी नमाज पढ़े घर में। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, छोटा बच्चा नमाज पढ़े, बालिग नहीं हुआ लेकिन नमाज पढ़। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, इतना मासूम बच्चा जिसकी गाड़ी में मैं आ रहा था, उसने मसाइब पढ़ के सुनाई मौला अब्बास के। आप सोचो, ही इज जस्ट 3-4 years ओल्ड बॉय, 5-6 years का, अपनी जबान में मौला अब्बास के मसाइब सुनाई, कितनी बड़ी बात है। इन हमसे ज्यादा कबूलियत वो मसाइब की है। मैंने कहा मौला हुसैन आप कितने मजलूम है कि छोटे छोटे बच्चे आपका जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा बनाओ कि बच्चों को मालूम है, सिर्फ लाके इमाम बारगाह में रखना नहीं, और बच्चों को इमाम बारगाह जरूर लेकर आना। अगर वो भाग भी रहे कोई मुश्किल नहीं, खेल रहे भी कोई मुश्किल नहीं, क्यों, उनको आदत होना कि मेरे माँ बाप हुसैनिया लेके जाते थे, घर में छोड़ के मत आओ बल्कि इमाम बारगाह लेकर। क्यों ले, इमाम बारगाह लेके आओ, इमाम बारगाह आज छोटा है वो कल बड़ा होकर यहीं पर आएगा। इमाम बारगाह से मस्जिदों से दूर नहीं करना, बच्चे नस्ल तबाह हो जाएगी। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। नमाज ए शब तुम्हारी औलाद तुमको बेहतरीन। तो इमाम अली से पूछा गया मौला क्यों नहीं करना, हसीन से और पैसे वाले से क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना। इस्लाम मना नहीं करा, मौला ने मना नहीं किया। कोई हसीन खूबसूरत लड़की है तो कोई बुरा वो नहीं करे कि मुझसे शादी कौन करेगा, नो, मौला ने मना नहीं किया। मौला ने कहा कि क्राइटेरिया मत बनाओ, शर्त मत रखो, कंडीशन मत रखो कि मैं एक हसीन से करूंगा, पैसे वाली से करूंगा। रावी ने पूछा तो इमाम ने कहा ये दोनों चीजें फना होने वाली है, आज हसीन है कल हुस्न चला जाएगा, आज पैसा है कल पैसा खत्म हो जाएगा। पूछा किससे करें तो कहा तखवा देखो, नस्ली तहारत देखो, हम देखते हैं। तो मैं लड़कों को बोल रहा कि अगर किसी लड़की को तुम पसंद करे, कल ही मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा सुनो तुम जरूर शादी करो लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अमीर अल मोमिनीन। अली की विलायत में आजादारी हुसैन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी नहीं करना, यही तुम्हारा बेस है। ये माँ बाप बोलना, इसलिए कि यूनिस जा रहे, स्कूल जा रहे, अट्रैक्शन है, डॉक्टर है लड़का, अब हजार चीजें हैं। लेकिन मैंने कहा हजार लड़कियां तुम्हारे पास आएंगी, तुम ये कभी कंडीशन नहीं रखना। इसलिए कि दोस्तों मैं अफसोस से कह रहा, रो के कहता हूं जो हालात इस साल आए सामने, यही हरकत है। आके कहने लगे मौलाना मुसलमान तो है, व्हाट डू यू मीन मुसलमान है, क्या मतलब है यार तुम्हारा। मैंने कहा अगर तुम करते, उनका मुसलमान तो है लेकिन अब वो शिया भी हो रहा। प्लीज गौर से सुनो, इसी साल का वाक्य, शिया तो हो रहा ना, बोला ना अब क्या है। मैंने कहा शिया हो रहा, क्यों हो रहा शिया। उससे मैंने पूछा तुम क्यों हो रहे शिया, व्हाई।
तुम अपने वो मजहब छोड़े जो तुम्हारे माँ बाप का मजहब है, बचपने से जिस रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे थे क्यों छोड़े, वाई, इसकी मोहब्बत में, अगर इसकी मोहब्बत में छोड़े तो कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। मैं क्या बोल रहा यार, लड़की की मोहब्बत में छोड़े तो फायदा क्या, कब तक रहेगा। मैंने, उसने कहा नहीं मौलाना आप ऐसे क्यों कह रहे, मैंने कहा मैं जानता हूं तुम्हारी मोहब्बत में जब तक तुमसे निकाह नहीं हुआ, एक दफा निकाह हो गया वो शौहर है उसका चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। ये टोरंटो नहीं है कि तुम्हारा नहीं चलेगा उसका चलेगा, समझ में आई। तो उसने कहा नहीं। अब उसके बाद मैंने लड़की से पूछा, गौर से सुनो, लड़की से पूछा कि शादी के बाद बच्चा होगा क्या होगा, किसके नाम क्या रखोगे। तो नहीं, वो तो मैं अपने मौला का नाम, मैंने कहा अगर वो बोले वो नाम रखता हूं तुम रोक सकते, लड़का हो वो बोलता मैं वो नाम रखूंगा, क्या कंडीशन तुम्हारे पास, लड़की हो तो वो नाम रखूंगी तो क्या करोगे। मैंने कहा दिन भर तुम वो नाम पुकारोगे, उस नाम के बच्चे को तुम रेस करोगे, तुम्हारी आगोश में वो नाम तुम्हारी जबान पर रहेगा, रहना क्या चाहिए अली और वो नाम रख रहे, क्या बोल रहा है यार, समझो मैं क्या बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, बैचलर्स को बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा, सिर्फ पैसमोर वालों को नहीं बोल रहा, जो बाहर सुन रहे सबको बोल रहा, कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुकद्दस नहीं बन सकते, अगर मुकद्दस नहीं बनोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी चली गई। प्लीज मैं लड़कियों को बोल रहा कि तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर तुम वो नाम, तुम बीबी के खातिलों के नाम, क्या गजब है, सैदानिया, सैयदजादियां, औलाद फातिमा। दोस्तों रोता हूं रोता हूं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं बोलने पे, कोई तो बोले, कोई तो एक अवेयरनेस लाए, कोई तो एक बेदारी लाए, अगर कोई एक भी सही हो गया, एक भी रिश्ता हो रहा है, इसलिए मुझे मालूम है यहां पे एक रिश्ता होने वाला है, पैसमोर में नहीं बाहर, वो सुन रहे बोलो, अगर एक को भी समझ में आ जाए उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने एक ही जुमला बोला, नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अमीर अल मोमिनीन, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, अली की विलायत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले, याद रखो ये तुम्हारा बेस है, ये हमारी जिंदगी है। इतनी आसानी से ये शरीयत यहां तक नहीं, अगर एयर कंडीशन में बैठ के इतने बड़े हॉल में माशाल्लाह आराम से आप मजलिस कर रहे हैं, तो याद रखो किसी ने कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है, बच्चे बेवा हुए, औरतें बेवा हुई, लड़कियां लड़के यतीम हुए, दीवारों में चुने गए, तो आज आजादारी यहां तक आई। अगर तुम ईजी लोगे और तुम ये मत बोलो नहीं मैं तो दीनदार हूं मेरा बच्चा भी दीनदार निकलेगा, नो, हमेशा याद रखो, कभी ये गफलत में मत आओ कि मैं भी दीनदार हूं मेरा बच्चा भी दीनदार 100% हो, नहीं, 24/7 तुमको चेक करते रहना, शैतान चेक करो तुम्हारे घर में तो नहीं आए। इसके लिए बेहतरीन चीज हलाल रिस्क की तरफ जाओ, मेरा मतलब ये नहीं है खुदा ना खास्ता कोई हलाल नहीं खाता, हलाल खाना लाजिम है, लाजिम है, अगर हलाल नहीं खाओगे तो विलायत अमीर अल मोमिनीन और आज़ादारी हुसैन तुम्हारे दिल से दूर हो जाएंगी। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये मौला हुसैन बोल रहे हैं। इंशाल्लाह हलाल क्या है वो कल बोलूँगा, अब मुकद्दस की तरफ जा रहा हूँ वापस। तो यही इतना ये इस वाक़े के बाद, हीरे जवाहरात के वाक़े के बाद आखिर में जो बकेट आई ना उसमें सोना आया था, तो अब मुकद्दस का जुमला सुनो, मैंने वाक़े को बहुत शॉर्ट कर दिया। सामने सोना रखा हुआ है, मुकद्दस और उसकी बीवी हाथों को उठाती है, उठा के कहती है परवरदिगार कब तक इम्तिहान लेगा, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए कि वजू करके तेरी इबादत करूँ। समझ में आई बात, मौला ने अपने पहलू में यूं ही नहीं रखा, इतना पाइस के हमारे उलमा में बहुत कम ऐसे आलिम है कि जिन्होंने नबी मूसा की जियारत की,
इनकी जिंदगी का एक और मशहूर वाक़या सुन लो। नबी मूसा को और अल्लाह के रसूल को, हमारे अल्लाह की सरकार को ख्वाब में देखा, अल्लाह हम भी देखें इंशाल्लाह। थक गए बहुत, आमीनी ने निकल रही जबान से। तो मुकद्दस ने ख्वाब में देखा नजफ अशरफ में कि सरकार आए हैं, उनके साथ नबी मूसा आए। इन्होंने सलाम किया, नबी मूसा को देखा, मूसा ने जवाब सलाम दिया, सरकार ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद नबी मूसा ने अल्लाह के रसूल, हमारे रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, सरदार हैं सरकार, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी हदीस है, आपके इशाद पे शक नहीं है, रावी पे शक है, क्या आपने ये कहा कि अंबियाए बनी इसराइल के बराबर मेरी उम्मत के उलमा इल्म में होंगे, इसलिए कि नबी मूसा अंबियाए बनी इसराइल से है, आपके उलमा इल्म में हमारे बराबर? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ मैंने कहा। उसके बाद पलट के मुकद्दस की तरफ देखकर कहा, ये मेरी उम्मत का आलिम है, इससे रसूल सनद दे, इसका इम्तिहान ले लो। नबी मूसा पलटे, पलट के कहा सलाम अलैकुम, इन्होंने जवाब सलाम दिया। नबी मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, इन्होंने कहा मेरा नाम अहमद अर्दबेली है, मेरे बाप का नाम अली है, उनके बाप का नाम हसन है, उनके बाप का नाम हुसैन है। इन्होंने मूसा ने हाथ को ऐसा रख के कहा सुनो, मैंने तुम्हारा नाम पूछा, खानदान का नहीं पूछा। जब ये कहा तो फौरन मुकद्दस ने पलट कर नबी मूसा से कहा, ऐ मूसा नबी, आप बहुत बड़े नबी हैं, जब आप उस वादी में थे तो अल्लाह ने आपसे पूछा था, मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में असा थी, वो स्टिक थी, आप ये कह देते कि परवरदिगार मेरे हाथ में असा है, आपने कहा कि परवरदिगार ये असा से मैं सवारी करता हूँ, इस असा से मैं पानी पीता हूँ, इस असा से शहद पीता हूँ, आपने क्यों इतनी डिटेल सुनाई अल्लाह को? अल्लाह ने तो सवाल सिर्फ ये किया था कि आप तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मूसा ने पलट के कहा कि अहमद अदबली, वो मेरा और अल्लाह का पहला कन्वर्सेशन था, पहली दफ़ा बात कर रहा था, तो मैं चाहता था देर तक बात करूं। इन्होंने पलट के कहा मेरा भी तो मसला यही है, मेरा भी तो मसला ये, वो शॉर्ट करके दो मिनट में ये वाकया पढ़ दिया, मैं भी पहली दफा किसी नबी से बात कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि देर तक हो। तो मुस्कुरा के अल्लाह के रसूल को देखा, सरकार ने कहा मैंने क्या कहा था, अक्सर बात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस 15 मिनट रह गए मेरे पास, मैं अपने टाइम पर ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। अब ये मुकद्दस का जो सबसे अजीम वाकया है वो सुनो, इसी वे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा। इनकी ज़िंदगी के आपने वाकया सुने, इनका कंट्रीब्यूशन सुना कि 1400 साल पहले जब शियत नजफ अशरफ में वो एरियाज में ख़त्म हो रही थी, ये मुजद्दिद बन गया, इसने शियत को मजबूत किया वहाँ पे, इतना प्रोपगेशन। और कमाल ये था कि खुद भी करते थे, उनकी बीवी भी करती थी, बाख़दा मदरसा था, उससे बच्चों को तैयार करते थे और मुनाजरे करते थे, डिबेट्स करते थे डिफरेंट रिलीजन वालों से। मैं ये सब नहीं बोल रहा कि आप करो यहाँ पर, लेकिन आपको बता रहा कि कंट्रीब्यूशन, हम सिर्फ ये दुआ करेंगे मौला गिव मी चांस, बस इतना। चांस क्या होना उनके ऊपर छोड़ो, देखो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। अल्लाह पे छोड़ दो, मासूम पे छोड़ दो। मुकद्दस अर्दबेली उस ज़माने में नजफ अशरफ, मेरे मौला का रोज़ा छोटा सा था, रात के हिस्से में इशा के वक्त बंद हो जाता था, बंद हो जाता था, और लोग सहन में इबादत करते थे। तो उस वक्त तक ऐसे दो मीनारें नहीं थी, एक मीनार थी जहाँ अल्लामा हिली दफन, दूसरी मीनार थी लेकिन इनकी जगह खाली थी, इनको तो पता भी नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अली इनके शागिर्द के थे कि मैं सहन में, छोटा सा सहन मौला की जरिए मुबारक का दरवाज़ा बंद है और मैं यहाँ पे इबादत कर, मैंने देखा कि हरम में एक शख्स, एक आलिम दीन एंटर हुआ, मैंने पहचाना नहीं, और वो सीधा रोज़े मेरी तरफ, देखो रोज़े की तरफ जा रहा। तो मेरे दिल में ख्याल आया शायद ये नए हैं, इनको मैं बता दूं कि हरम बंद है, आप सहन में इबादत करें। लेकिन मुझे हैरत हुई जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि जब वो दरवाजे के पास पहुँचे, मेन मौला के रोज़े का दरवाज़ा, जब दरवाजे के पास पहुँचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ बेदार होकर सुनो, ये हमारे लिए क्यों नहीं होता भाई? दरवाज़ा खुद खुद खुल गया, वो एंटर हुए कोई, आप मुकद्दस की सवाने हैं बायोग्राफी में, देखो ये मशहूर तरीन वाक़या मौजूद है।
अंदर चले गए। जब वो अंदर जा रहे थे, अब्दुल्ला इब्न अली ने कहा ये तो मेरे उस्ताद मुकद्दस है, ये निकल के बाहर आ गया, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, मौला के रोजे की इसकी मजाल नहीं है कि अंदर जाए, रात का वक्त है। अंदर मुकद्दस चले गए और कुछ देर के बाद मुकद्दस की आवाज आने लगी अंदर से, ये बाहर खड़े रह के सुन रहे, उनके साथ कोई और आवाज आ रही थी, वो आवाज को मैं नहीं पहचानता था, मुकद्दस की आवाज को पहचानता था। दोस्तों एक अजीब ये वाक़ है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अली कहते हैं कि मैंने देखा कि मुकद्दस बाहर आए, दरवाज़ा तो खुला हुआ, लेकिन जब अब जो आए तो पूरा पसीने में नहाए हुए, चेहरे पे परेशानी, कोई वहशत, इतनी परेशानी चेहरे पे और आंखों में आंसू। बाहर निकले, इधर खड़ा हुआ, मुझे देखते भी नहीं, निकल के सीधा कूफे की तरफ जाने लगे। उस जमाने में नजफ अशरफ और कूफे के दरमियान जंगल था, आज तो पूरा रास्ता बना हुआ है माशाल्लाह। कहते मैं पीछे पीछे चल रहा इनके, चलते चलते ये मस्जिद कूफा गए। मस्जिद कूफा उस वक्त बहुत छोटी थी, ये मस्जिद कूफा में एंटर, मैं भी पीछे एंटर हुआ, बहुत शॉर्ट करा मैं, घड़ी देख के पड़ रहा। वहां पहुंचने के बाद ये उस जगह पे पहुंचे जहां मेरे मौला को 19 रमजान को जरूरत लगी थी, वो मुसल्ला आज भी मौजूद है। वहां पहुंचे और मुकद्दस मेरी तरफ देखे, मुकद्दस गए और जाके दो जानू जैसे आप तशहुद में बैठते वहां खामोश सर झुका के बैठ गए। किसके सामने बैठे हुए कोई नजर नहीं आ रहा, मैं दूर से देख रहा। उसके बाद मुकद्दस ने सर को ऐसे उठा उठा के फिर सर को झुका दिया, कोई वो सवाल कर रहे होंगे जो भी थे तो ये सर को ऐसा हिला रहे थे, फिर उठे फिर वापस नजफ की तरफ जाने लगे। अब जब नजफ अशरफ की तरफ जाने लगे तो अब्दुल्ला इब्न अली कहते हैं कि मैं पीछे पीछे चल रहा था, जब मैं पीछे चल रहा था तो मेरे पैरों की आहट आते वक्त भी थी लेकिन वो परेशानी थी उनमें, उनको होश नहीं था। अब जब मेरे पैरों की आहट सुनी वो पलटी, आधी रात का वक्त है, 400 साल पुरानी बात है, पलट के पूछा कौन है, तो अब्दुल्ला कहता है कि मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ के कहा कि उस्ताद मैं आपके शागिर्द अब्दुल्ला इब्न अली हूँ। कहा इतनी रात को इस जंगल में तू क्या कर रहा, ये कहता है कि मैंने हाथों को जोड़ के कहा कि मैं उस वक्त से आपके साथ हूँ जब आपके लिए मौला ने अपने रोज़े का दरवाज़ा खोला और आपने इमाम की ज्यारत की और आपने कुछ सवालात किए, आप किससे बात कर रहे थे, फिर आप वहाँ से बड़े परेशान हाल में मस्जिद कूफा आए और मस्जिद कूफा में आप आके किससे मुलाकात की, जिन हस्तियों से मुलाकात हुई उनका वास्ता मुझे बता दें। तो उस वक्त मुकद्दस ने कहा कि मुझे, मैं किताब लिख रहा था, मुझे एक मसले में परेशानी हुई, तो मेरा ये उसूल था कि रहता है कि जब भी कोई परेशानी होती मैं मौला के शहर जरी के पास जाता, मौला से सवाल करता, मुझे जवाब मिल जाता और मैं अपने मसलों को हल करता। आज जब मैं गया तो जरिए मुबारक से आवाज़ आई कि अहमद अर्दबेली तू अपने दौर के इमाम को के पास नहीं जाता, ये परेशान हो गए, इसलिए कि बाप कैसे राजी होगा किसी से कि अगर उसके बेटे को लोग भूल जाए। मैं जो बोलना था मैंने बोल दिया, तो कहा कि तुम क्या मैं अपने दौर के इमाम के पास नहीं जाते। इसने मुकद्दस कहते मैंने हाथों को जोड़ के कहा मौला कैसे नहीं देंगे, वो तो मेरा सैयद और सरदार है। तो फिर कहा कि अपने मसलों को लेके उनके पास क्यों नहीं जाते मेरे बेटे के पास। तो मुकद्दस ने कहा कि मौला मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, कहाँ तलाश करूँ, वो तो गैबत में, मुझे मालूम आप यहाँ हैं, करबला में मौला हुसैन है, हम चले जाते, लेकिन वो कहाँ है हमको क्या मालूम, वो तो गैबत में। तो कहा इस वक्त मेरा बेटा मस्जिद कूफा में, जाओ उसी से सवाल करो। कहा जब अली ने मुझे डांटा अब मैं परेशान हो गया कि हाय मेरा मौला मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं सीधा कूफा आया, मस्जिद कूफा आया तो मैंने देखा कि उस मुसल्ले के बाद सैयद और सरदार में हमारा मोहसिन फरजंद जहरा मजलूम बीबी जहरा का ये लाल इबादत में था। कहते हैं कि मैं आके बाजू बैठ गया, नमाज के बाद मेरा मौला ऐसा पलटा, मैंने सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया लेकिन बड़े शिकवे वाली मुस्कुराहट थी, क्यों, मेरे दादा ने बोला तो आया ना, यूं तो नहीं आया मेरे पास। इसने हाथों को जोड़ के अब प्लीज खत्म क्या वाकया, मुकद्दस ने कहा कि मौला मैं कहाँ तलाश करूँ, हम लोग आज भी आपका भी यही सवाल होगा कि हम कहाँ तलाश करें अपने इमाम को, मेरी टॉपिक इमाम नहीं, मुकद्दस की जिंदगी का वाकयात बोल,
जब इमाम के हालात पढ़ूंगा तो जब बताऊं कि हमको कितना जरूरी है कि अपने इमाम से क्लोज होना, तो उसके बाद देखो मैं मिंबर से बोल रहा हुसैनिया पैसमोर में बोल रहा कि अगर तुम इमाम से क्लोज हो जाओ, जरा भी क्लोज हो जाओ, तो जो करम, जो रहम, जो प्रोटेक्शन आपके ऊपर होता है, आप तसव्वुर नहीं करना। अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, अल्लाह का नुमाइंदा है। अगर मैं सांस ले रहा तो इमाम के करम से ले रहा, मैं बोल रहा तो फर्जंद जहरा का सदका है। दुनिया चल रही, चांद और सूरज अपने मकाम पे है, जमीन गश्त कर रही, तो हुक्म इमाम से हो रहा है। ये जहन से निकाल दो, ये इस दौर का अली, इस दौर का हुसैन है ये। तो इन्होंने हाथों को जोड़ के कहा, मौला कहां तलाश करूं मैं आपको, कहां? तो उसके बाद मुकद्दस कहते, मौला आप तो गैबत में। दो दफा बोला, मौला आप तो गैबत में, मौला आप तो गैबत में, हम कहां देखना। बस इमाम ने तड़प के कहा कि अरे मुकद्दस ये बताओ, गैबत में हूं बोल रहे, लेकिन क्या मैं, कोई शिया मेरा पुकारता है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? मैंने कभी मदद नहीं की। नहीं भी पुकारता है तो मैं उसे अपने शियों की मदद करता हूं। तो एक चीज याद रखो, रियली इमाम से। तो उसके बाद मुकद्दस कहते कि मेरी जिंदगी का तरीका बदल गया था, कि अपनी दुआओं को मौला के पास भी जा रहे तो इमाम के जरिए जा रहे, ज्यारत भी पढ़ रहा तो इमाम को हदिया कर रहा। मैं एक आपसे ख्वाहिश करता हूं कि कोई ज्यारत आप पढ़ो, जमाने के इमाम को हदिया करो, और उनकी माँ बीबी नरजिस खातून को हदिया करो, माँ को हदिया करो, माँ के जरिए से बेटे के पास पहुंचेगी तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। हमेशा बीबी नरजिस खातून को हदिया करना। इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो मैं पूरे इमाम की ही के हालात जुहूर तक लेके जाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले, जो मौला ने मुकद्दस को जगा दी, हमको भी फील हो। जब भी मैं जाता हूं ये दुआ करता हूं, मौला इनको देना, मुझे भी दो, दे हमको भी। हम सिर्फ कफन ला के खुश होते, होना भी चाहिए, जरूर लाओ कफन। हम कफन ला के खुश हो रहे, मुकद्दस कितना मुकद्दस है, मौला के पहलू में लेटा हुआ है। क्या ये ख्वाहिश हमको करना नहीं है, ये आरजू नहीं करना है? आप बोलेंगे मौत की कोई आरजू करता है? सूरह जुमा में अल्लाह बोल रहा कि अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि मौत की तमन्ना करो, आप जिंदगी मांगे इसलिए और ये नियत से जिंदगी मांगे कि मौला मैं आपके लिए काम करूं, आपके लिए काम करूं। अगर तुम मौला के लिए काम करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। अगर नहीं तो आप खत्म हो गए। इमाम के लिए काम करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। मैं 1000 मिसालें इस वक्त आपको दे सकता, 1000 मिसालें इमाम के लिए काम करने से का नतीजा क्या है। मैं बड़ा मसला है यहाँ पे, घड़ी में ऐसा खींच के पढ़ो, जहन में ख्याल आ रहा। अब आप छोटी बात करो, लखनऊ वाले अगर कोई बैठे हुए, लखनऊ शहर इमाम बारगाह का शहर है, वो शहर में इमाम बारगाह है, पूरा बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम बारगाह, शाह नजफ, काजमैन, गार वाली, करबला, पूरे शहर में इमाम बारगाह है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ। एक छोटा इमाम बारगाह, बहुत बड़ा, छोटा मतलब छोटा नहीं है, 40,000 आदमी आता, बिल्कुल बाजू बाजू है, बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम। जब मैं पहली बार हदीस पढ़ाई, अवध वालों ने बनाया, मैंने 300 साल पुराना, मैंने उनसे पूछा यार ये बनाया तो, कहा फुला बादशाह ने बनाया। इतना बड़ा इमाम बारगाह उस जमाने में, 300 साल पहले इतना बड़ा इमाम बारगाह बनाया। बंदे का क्या विजन था? मैंने कहा इमाम बारगाह इतना बड़ा बनाया तो इस बादशाह का लहत कहें, तो कहा यहीं पर है। मैंने उनसे पूछा ये बताइए इनके कितने महलात हैं? इमाम का घर तो बना, अपने घर कितने बनाए? कोई पैलेसेस है? तो कहा एक भी नहीं, इन्होंने बनाए नहीं अपने लिए। आज वो जिंदा क्यों है? उन्होंने हुसैन का घर बनाया, अपना घर नहीं बनाया।
दोस्तों काम किया, काम किया, काम करना। जब तक तुम इमाम के लिए काम नहीं करोगे ना, डम रहोगे, तो इमाम अली को शिया को पसंद ही नहीं करता जो अपने बारे में सोचता, माई लाइफ अपने बारे में। डम शिया नहीं चाहिए इमाम को, इनकलाबी शिया चाहिए। आज के दौर का इनकलाब ये नहीं कि तीर तलवार लेके बाहर जाओ, आज के दौर का इनकलाब तुम्हारे किरदार का है, तुम्हारे इल्म का है, तुम्हारे कैरेक्टर का है, तुम्हारी जबान का है, तुम्हारी सोच का इनकलाब। तो बहरहाल ये चीज़ें करो, उसके बाद देखो कि करम मौला क्या होता है। अगर इन उलमा पे हो रहा, कल इंशाल्लाह मैं काजिमन तक लेके जाऊंगा आपको, आखिरी दिन करबला मौला, तीन दिन नजफ शाह, नजफ शाह में पूरा खमसाद मैं पढ़ सकता, इतने हालात है, मैं सब छोड़ दिया वहाँ के जो लोग हैं। बहरहाल दोस्तों नजफ अशरफ में जब भी जाना, अल्लाह हम जल्द से जल्द जाएँ मौला के पास। मौला की क्या जरिए है, क्या रौनक है, एक कमाल है। ऐसा मालूम होता कि एक हाकिम दुनिया को चलाने वाला, इमाम अदल जस्टिस करने वाला, और उतना ही करीम है। अली के करम का कोई अंदाज़ा लगा सकता कि करम कितना है? जिसने खातिल के लिए शरबत के लिए कहा, बेटी तूने मुझे दिया, इब्ने मुल्जिम को भी दे दे। इतना करीब, इतना करीब। आज जाकिर अव्वल ने जो मर्सिया पढ़ा, एक ऐसे शहीद का पढ़ा, उस अली खातिल को शरबत दे रहे और उनके बच्चों को करबला में प्यासा शहीद किया। दोस्तों पूरी मजलिस की जान तुम्हारे दो आंसू है। ज़िंदगी में याद रखो, सुबह से शाम तक अगर दो आंसू बीवी को दे देना तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मजलिस हुसैन को छोटी चीज़ मत समझो, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी सांस है, हर चीज़ ज़िक्र हुसैन है। अगर मेरे मौला हुसैन का ज़िक्र ना हो तो हमारी ज़िंदगी, हम मुर्दा हो जाएंगे। मौला हुसैन उस गरीब 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 और मज़लूम का नाम है। आप जस्ट इमेजिन करें कि 6 महीने के बच्चे को भी ज़ालिमों ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, और ऐसा बेदर्दी से जुल्म से शहीद किया, बच्चे के ऊपर तीर नहीं चलाया बल्कि बच्चे को ज़िबा कर दिया, ज़िबा कर दिया। हुसैन का ये 6 महीने का लाल, ये वो मज़लूम शहज़ादा है कि शब आशूर जब मौला हुसैन तलागर्दी कर रहे थे खैमों की, एक एक खैमे में गए थे, और जब रबाब के खैमे में गए तो अजीब मंज़र देखा कि एक झूला है और रबाब अपनी पेशानी को झूले पे रख के ये कह रही है कि बेटा कल हर माँ अपने बच्चे की कुर्बानी देगी, तुम इतने छोटे हो कि तुम मैदान में भी नहीं जा सकते। तड़प तड़प के रबाब रो रही, तो उस वक्त हुसैन ने कहा, रबाब घबराओ मत, मैं हमेशा कहता हूँ कि बीबी आपका बेटा वो जंग करेगा कि लोग अली अकबर की जंग को भूल जाएं। वाक़े करबला के बाद शहज़ादी की याद बेहिसाब थी। आज भी कलकत्ते में मैं जाके मजलिस पढ़ता हूँ, इंडिया का एक शहर है कलकत्ता बंगाल में, तो वहाँ मठिया बुरुज एक जगह है जहाँ पे शाही इमाम मर गए, वहाँ से आशूरे में एक जुलूस निकलता है, उसके साथ जुलजना होता है और हज़ारों लोग मातमदार होते, और वो पुराने कलकत्ते से निकल के न्यू सिटी में एंटर होता है। जब नए शहर में जाता, दाखिल होता डाउनटाउन में, तो वहाँ हिंदू औरतें जिनके हाथ में बर्तन में दूध होता है, और वो जो है खड़े रहती हैं और जुलजना के पास लेके जाके डालती, उनसे पूछा कि तुम ये क्यों करती हो, तो कहा वो औरतें कहती हैं कि हमने सुना है कि हुसैन का एक छोटा बच्चा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, तो हम उस बच्चे के नाम पे ये करते। दोस्तों शहजादे की बहुत बड़ी नज़र है, ये भी सुन लो, कोई हज़ारों लाखों रुपए की नज़र नहीं है, बीबी रबाब के दोनों बच्चों की नज़र है, हर परेशानी के लिए मुजर्रब अमल। आप नियत करें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नज़र दूंगा, इतना मुजरब। अब किस पे दी जाती, आप 1000 आदमी को मत बुलाओ घर में, मियाँ बीवी बच्चों के साथ सुफरा बिछाओ,
और शहजादे की नज़र एक गिलास में दूध रखो, और बीबी रबाब की वो मजलूम बच्ची सकीना, बीबी सकीना की नज़र ठंडे पानी पे के दिन, गिलास में दूध एक गिलास में पानी और बीबी को नज़र दो, देखना कि तुम्हारे काम कैसे बनते, दुआएं कैसे कबूल होती। पता चलता कि हुसैन की बच्ची कितनी प्यासी थी। मौला हुसैन कहते हैं कि वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। रबाब वो मजलूम बीवी का नाम है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी। इसीलिए बार बार ये कहती थी कि ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे वाली, मैं अब जिंदा रह के क्या करूँ, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। जालिमों ने वो जुल्म किया कि जब शहजादे अली असगर को हुसैन मैदान में लेके जाने लगे तो खैमे के अंदर रबाब से बच्चे को मांगा था। आप तड़प के रोएंगे, उस माँ की तड़प को देखो। बच्चे को मांगा, मौला चलना चाहते हैं, चंद कदम खैमे के अंदर आगे बढ़े, माँ ने आके रोक के कहा, मौला कुछ लम्हों के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए। हुसैन ने अली असगर को फिर हवाले किया। माँ शहजादे को लेके खैमे में गई, अब जो रबाब लेकर आई तो बच्चे को नया कुर्ता पहनाया, बालों को सवारा, माँ का दिल है तड़प के कहा, मौला मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जा रहा। इसी तरह गिरिया करो, इसी तरह गिरिया करो। मैदान में आए, सवाल आप किया, जालिमों ने कोई जवाब नहीं दिया। जलती हुई रेत पे अली असगर को लिटा दिया। आपने सुन लिया, जलती हुई रेत पे लिटा के कहा कि अगर तुम समझते हो इसके बहाने से पानी मैं पीऊँगा तो अपने हाथ से पानी पिलाओ। जालिमों ने पानी नहीं पिलाया, बाप का दिल फट गया। अली असगर को उठाया, सीने से लगा के कहा, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। तो शहजादे ने सूखी हुई जबान अपने खुश्क होंठों पर फेरना शुरू किया कि मेरा बाबा जो कह रहा वो सच है, मैं बहुत प्यासा हूँ। उमर साद कहता है, एकता कलामुल हुसैन हुरमुला को, बस दोस्तों हुरमुला का तीर चला, हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनखलिब हो गए। बस शहजादे को लेके जब कैमे के दरवाजे पे पहुंचे तो रबाब इंतज़ार में खड़ी हुई थी। रबाब ने जैसे ही हुसैन को देखा, पहला सवाल ये किया, मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। अब हुसैन क्या जवाब दे, सर को झुका के कहा, रबाब वादा करो सब्र करोगी। बीबी ने कहा, मैं वादा करती हूँ। बीबी सोच भी नहीं सकती थी कि अली असगर का क्या हाल कर दिया जालिमों ने। अब आके दामन को हटाया, माँ की चीख निकल गई, कहा, मेरे लाल क्या इतने छोटे बच्चे भी ज़िबा होते। अजीजों उसके बाद शहजादे को दफन कर दिया। अब लेकिन शाम गरीबा, खैमे भी जले और रबाब के सामने अली असगर को लहद से निकाला गया और ज़िबा किया गया। रबाब फरियाद करती रही, बस दो मिनट में मजलिस ख़त्म कर रहा। शाम गरीबा में खैमे जलने के बाद शाम से जब यह काफिला वापस आया, रबाब का ये हाल था, हमेशा हाथ में गठरी रहती थी जो सीने से लगा के तड़प तड़प के रोती थी। दोस्तों जो मांगना है मांग लो, रबाब से बड़ा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे दिलों में जो दुआएं हैं ना, मांग लो रबाब के बच्चों के नाम पे। आप वो बीवी गठरी लेके इस तरह रोती थी हमेशा। जब गठरी खोली गई तो उसके अंदर क्या था, अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी, जो माँ कहती थी, आए अली असगर तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी नहीं रहा, बेटा माँ कैसे जिंदा रहे जालिमों ने शहीद। परवरदिगार मेरी बीवी रबाब का वास्ता, उनके मासूम बच्चों का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार हमारी ये मजलिस मजलूम बीवी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। सब मिल के आमीन बोलो। ख़ास दुआ का वक्त। परवरदिगार मेरी बीवी का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में, उनके रिस्क के दरवाजे खोल दें। मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। हमको तौफीक दे, सआदत दे कि हम तेरे दीन के, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। अल्लाह फर्जंद मजलूम बीबी जहरा वारी से अज़ा मेरे इमाम को सलामत रखना। मेरे मौला के सदक़े में जितने बीमार हैं, बेहक़ बीमार हैं, करबला बीमार हैं, मदीना सेहत कामिला अता फरमा।
परवरदिगार मोहब्बत मौला कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा, हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। आज की मजलिस के जो भी स्पॉन्सर हैं उनके सारे मरहूमीन और फरद भाई के वालिदैन और उनकी अहलिया के वालिदैन के दर्जात बुलंद कर। हमारे तमाम उलमा ज़ाकिरीन मुश्तहदीन मातमदार महाराज आलम जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी खबरों में अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। मेरे इमाम की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा। जिसकी भी आज पहली रात है उसकी रात रहमत की रात बन जाए। अल्लाह हम सबको उमरा ज़ियारात नसीब हो। परवरदिगार हम सबको ज़ियारात बमारिफत हो इंशाअल्लाह। मेरे इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा अपने अपने मरहूमीन तमाम उलमा ज़ाकिरीन मुश्तहदीन मातमदार अल्लामा हिल्ली मुक़द्दस अर्दबिली सारे इनके ख़ानदान शेख मुर्तज़ा अंसारी अपने अपने मरहूमीन आज के दौर के सारे मरहूमीन सब के लिए, फरद भाई के वालिदैन उनकी अहलिया के वालिदैन के लिए सूरह फातिहा।